नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी भाइयों का फौजी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हमने इंटरव्यू किया हमारे भाई का जो कोस्ट गार्ड में लगे हुए हैं, उनसे कंप्लीट जो कोस्ट गार्ड की नई वैकेंसी आई उनके बारे में चर्चा की है और क्या कुछ फिजिकल मेडिकल में रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। तो आप अगर भाई को किसी भाई को डाउट रहता है फिर भी तो आप कमेंट करें, मैं उसका आपका कॉन्टैक्ट उससे करवा दूंगा अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो। और हम दोनों साथ सीख कर तैयारी करते थे एयरफोर्स के लिए, दोनों का एयरफोर्स में तो नहीं हुआ, मेरा आर्मी में हो गया और वो कोस्ट गार्ड में लग गया, लेकिन कंप्लीट डिटेल दी गई है उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। चलिए आइए इंटरव्यू पे चलते हैं और इंटरव्यू पूरा देखें अगर जानकारी पूरी लेनी है तो। ठीक है दोस्तों, अब ये कोस्ट गार्ड में लगे हुए हैं 2021 से, तो ये बताएंगे जो कंप्लीट जानकारी क्या क्या होता है इसके बारे में। तो पहले बात भाई जोगिंदर सुना दे, राजी खुशी? बढ़िया भाई, मजे चलो राजी बढ़िया खुशी तो बता भाई। जॉब किसी है मतलब इसके बारे में बता, मतलब कौन बड़ा कास का है, कौन भाई आज हार्ड है कि आसान भाई है? आज देखो आज के टाइम में भाई जॉब जॉब वगैरह का देखा तो सरकारी जॉब तो बढ़िया, देखो आज के टाइम कोई जॉब ना है। और वैसे कोस्ट गार्ड ने एयरफोर्स आर्मी तक फिलहाल ठीक है क्योंकि वर्कलोड इसमें बहुत ज्यादा बहुत कम है, बहुत कम वर्कलोड है, मतलब न्यू है। आप किस ब्रांच और सैलरी वगैरह का मैं एविएशन का हूँ भाई, एयर हैंडलर। एविएशन कौन सी ब्रांच बढ़िया है, कितनी ब्रांच हो मतलब सबसे बढ़िया ब्रांच कौन सी है, किस आधार पर मिला है ब्रांच? भाई सी की नौकरी है तो वो ब्रांच बढ़िया होगी जो अपन बेस में होगी, तो बेस की ब्रांच एविएशन की, सारे तो एविएशन की ब्रांच द बेस्ट ब्रांच। सैलरी वगैरह में भी फर्क है क्या एविएशन में? सैलरी वगैरह का तो इतना कोई फर्क ना ज्यादा है कि एविएशन में एक नॉन टेक टेक हुआ है तो जो टेक वाली ब्रांच है उसमें थोड़ा टेक्निकल अलाउंस मिलेगा, नॉन टेक में अलाउंस ना मिला है। और जो बंदा शिप में रहा होगा उसका एक्स्ट्रा है जैसे 6,500-7,000 के आसपास उनका एक्स्ट्रा है। अच्छा, शिप में जो बंदा रहेगा उसको ज्यादा एक्स्ट्रा वो पैसे मिलेंगे 6-7 हज़ार के? हाँ इतना मिलता। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है भाई, नाविक जिड्डी और नाविक डिब्बी में क्या फर्क हो है? मतलब क्या अंतर है इसमें, मतलब तू भाई नाविक जिड्डी में है जो डिब्बी? मैं नाविक जिड्डी में हूँ भाई। तो सैलरी नाविक डिब्बी के अंदर स्टीवर्ड कुक वाले हैं वो हमारे भाई, सैलरी इनका दोनों का सेम है, कोई फर्क ना। अच्छा, और स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिला है रीब तेरी, कितनी होगी बड़ी की मतलब? स्टार्टिंग सैलरी भाई जब मैं चिल्का के अंदर था तब हमारा बेसिक पे आया था जो भी नेवी का और कोस्ट गार्ड का सेम है 21,400 का। 21,400 बेसिक पे था। उसके बाद अभी बेसिक पे के अंदर साल प्रति साल मतलब चेंजमेंट आया है और उसके अंदर अलाउंस वगैरह मिल गया है, डीए मिल गया है, टीए मिल गया है, ये मिलना स्टार्ट हो गया है। टोटल लगभग कितनी सैलरी बढ़ गया है ये देखा तो इसमें 30 के अराउंड आसपास हो गया है। 30 हाँ, कोस्ट गार्ड और नेवी के अंदर एमएसपी का फर्क है 5200 का, 5200 का। अच्छा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल है मतलब ब्रांच के बारे में अभी बात करे ली जो भी है, तो ये तैयारी कितना करा इसके बारे में बता भाई, मतलब कड़े तने आप ही तो साथी करया करता तैयारी, तेरा तो बेरो कड़े करया करता सिक्कर करया करता तैयारी एकेडमी के अंदर रह गई और बाद में खुद तभी तैयारी करी है भाई ने, पहले एयरफोर्स की करया करता फिर ये एयरफोर्स वगैरह था पहली जो एग्जाम हो गया था तो इसमें चल गया, तो कितनी की तैयारी करनी पड़ा भाई, के एग्जाम पैटर्न रहा है और फिर मेडिकल फिजिकल के बारे में बात करा, पहले यह बता पेपर के बारे में कितना क्रैकर्स का कोई बताओ। तो पेपर के बारे में देखो यह बात है, अब जो नेवी की तैयारी कर है, एयरफोर्स की कर है, आर्मी की कर है, वो कोस्ट गार्ड की भी करता होगा तो कंपटीशन वही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यही मतलब 4-5 लाख में फॉर्म भरेंगे और इसके अंदर वैकेंसी है वही 360-370 अलग उठाव है तो कंपटीशन इसमें नेवी तो ज्यादा ही है, लिस्ट इसकी बहुत आई जा है तो तैयारी दबा के करनी पड़ेगी भाई फिलहाल यह है। और तैयारी में मतलब बेसिक अपना फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, 11th 12th का और नॉर्मल जीएस का हो गया, बस वो बंदा अपना आराम तक क्रैक कर देगा जिसका बेसिक क्लियर है। अच्छा, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब जो ये सब्जेक्ट है इतना ये पैटर्न है तो इतना इस चीज़ में ज़्यादा कवर कर लिया तो अभी ज़्यादा बेनिफिट उठा सका और ज़्यादा आगे निकल सका? देखो भाई डीपी और जीपी में यो डिफरेंस है, जो डीपी के अंदर है वो ओनली 60 नंबर एग्जाम होगा सेक्शन 1 का और जीपी का होगा 2 सेक्शन के अंदर, सेक्शन 1 और सेक्शन 2,
तो सेक्शन वन के अंदर अपना होगा इंग्लिश आवा नॉर्मल, जीके जी सा होगा, और अपना जनरल मैथ होगा, फिजिक्स वगैरह हो गया। और सेक्शन टू के अंदर होगा टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स आ गया, 11th 12th का। तो जो बंदा जिसका बेस पहले सेक्शन के अंदर पढ़ गया है, अब जैसे मैंने एग्जाम दिया था तो उसके अंदर मेरा पहला 6 मिनट का टाइम मिला था, तो मतलब उस टाइम रीजनिंग मेरी ठीक थी, इंग्लिश ठीक थी, और या तो नॉर्मल साइंस वगैरह तो अपना जनरल साइंस कर दे बंदे टिक मारने होने भी देखते हैं। तो उसमें मैंने पहले सेक्शन में 52-53 ऊपर नंबर बनी था। मैंने दोबारा चेकिंग मारी जब मतलब 30 मिनट में मैं एग्जाम कर लिया था, तो उसके बाद दोबारा चेक मारी तो 52-53 का मैं बनी था, मगर ठीक है। और मेरे तो पहली वाली कट ऑफ हुई थी 75 की, तो मैं कहा अब अभी इसके अंदर अगले सेक्शन 50 नंबर का है, तो उसके अंदर अभी अगर 25-30 नंबर भी कवर कर लेवा गए हैं तो आराम तो हो सका है, मतलब मैंने चांस लगा। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन आया, सेकंड सेक्शन के अंदर मतलब ठीक था, फिजिक्स थी, मैथ था, तो न्यूमेरिकल फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा है, थोड़े हार्ड हार्ड फिजिकल, उसके फिजिक्स एयर फोर्स पे भी न्यूमेरिकल भी ज्यादा है, हार्ड आवे मतलब। मैथ का लेवल। हाँ एयरफोर्स ने भी था, फिजिक्स और मैथ इसका हार्ड होगा भाई। अच्छा और अब जैसे जब फिजिक्स का सेक्शन मेडिकल फिजिकल स्टार्ट के किया बारे में मैंने बता तो भाई, अगर किसी भाई ने कोई हाँ भाई जरूरत होगी, कोई कमेंट होगा तो उस मैं तेरे तो उसका कांटेक्ट करवा दूंगा, किसी की दिक्कत होगी तो। ये मेडिकल और फिजिकल के बारे में और बता कि क्या होगा। भाई फिजिकल तो इसका बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिकल में तो वो है अपने 7.5 मिनट 7 मिनट का टाइम देंगे, उसमें अपन 1600 मारना है, 10 पुशअप है और स्क्वाट मारनी है, पुलअप वगैरह का कुछ सिस्टम है ही नहीं, मतलब ये मानो फिजिकल तो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ मेडिकल है वो सेम नेवी की तरह होगा, जो नेवी के बंदों के साथ हम जाओगे तो उनके साथ अपना मेडिकल होगा भी। चश्मा वगैरह मेडिकल के अंदर वही जो स्पेक्स स्पेक्स किसी का चश्मा चढ़ रहा हो तो चश्मा चढ़ रहा हो तो वो चल जाएगा, लेकिन उसका 6x9 के अराउंड होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को पता है जहां तक, उससे ज्यादा होगा तो नहीं होगा भाई। अच्छा मेडिकल थोड़ा हार्ड हो गया मतलब ज्यादा। मेडिकल का, हाँ मेडिकल का इसका ठीक हुआ है। फिर एक बात इसके अंदर भी ध्यान रखनी है, जब कोई बंदा मेडिकल कराने जा है तो उसका किसी का पॉइंट वगैरह है, तो कई बंदे घबरा कर ये बोलते हैं कि वो मतलब इस प्रकार से अपना टॉर्चर करेंगे ताकि ये बंदा अगले दिन है ना इसका रिमेडिकल हो जाए इनके ऊपर और काम हो जाए। तो फिर बंदे ने अपना इतना ध्यान रखना है बस कि अगर आज अपना यहाँ पर मेडिकल है तो वो अपना 21 दिन बाद ही रिमेडिकल करवाए, मतलब अगले दिन मेडिकल ना करवाए, मेरी तरफ से यो सुझाव है सब बड़ा सा। अच्छा 21 दिन बाद में मेडिकल करवाना चाहिए मतलब, कि थोड़ो उनके फोर्स में ना कि इस तरह बात करनी चाहिए सर, दे दो टाइम मतलब कि इस तरह रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट नहीं, अपने पास 2 ऑप्शन है, लेकिन ये हुआ है कि कई की सोचा ना कि यार अपना नॉर्मल पॉइंट है, ईयर वगैरह नोज वगैरह पॉइंट है, टूट जाएगा अगले में, लेकिन ऐसा बंदे ना करे क्योंकि 21 दिन में उसने टाइम मिल जाएगा सोचने का, और एक दिन में उसने टाइम ना मिले क्योंकि एक दिन और एक रात चिल्का के अंदर में ऐसी वो हो जाए सिस्टम, तो ये मान लो कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। तो प्रमोशन के बारे में और बता दे भाई, फिर वीडियो लंबी होने दी जाए, प्रमोशन के कुछ प्रमोशन रहो किस भाई आधार पर ले इसका। जैसे प्रमोशन, जैसे नेवी के अंदर तो प्रमोशन होता है मतलब उसके आधार पर, मतलब बंदे के नंबर कितने बने हैं, कितना के सिस्टम है, जहाँ पर भी आगे एग्जाम हो बंदे के अलग अलग कैटेगरी के, जैसे अच्छा एविएशन का अलग है, इनका एमई ब्रांच के, सभी ब्रांच के अलग अलग पेपर हुए हैं, दोनों के अनुसार तो होगा। लेकिन पोस्ट कार्ड के अंदर ये है कि 4 साल के अंदर प्रमोशन होना है तो होना है, जैसे 4 साल के अंदर, फिर 4 के अंदर, फिर 3 के अंदर, फिर 4 के अंदर, ऐसे प्रमोशन होता है। अच्छा तो प्रमोशन की इसके अंदर दिक्कत ना है, बस दिक्कत यहाँ पर है कि बंदे को मतलब LMC ना मिल जाए, लो मेडिकल कैटेगरी वगैरह, मेडिकल पुलिस कैटेगरी, या बंदा कोई मतलब अपने साइड के अंदर कांड भी कर दे है तो इस कारण जो किसी का पकड़ में आ जाए तो डिफॉल्टर वगैरह डाल जाए, तो बस वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब बढ़िया अच्छा प्रमोशन बाद में पर। 4 साल में प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ 4 साल में आपके पोस्ट हो गया आगे सेम इस तरह। टू लास्ट लास्ट की इसकी है, जैसे नेवी के अंदर MCQ सेकंड क्लास है, तो इसके अंदर वो ही है मास आपकी है, आप नॉर्मली मास बोल दिया करा, जैसे इसमें सुबेदार बोल दिया करा, आर्मी के अंदर सुबेदार मजरी बोल दिया करा, तो इसके अंदर ये यह है 4 साल में इसकी मिल जाएगा ये प्रमोशन। नहीं भाई ये प्रमोशन लेने बंदे ना लास्ट प्रमोशन है इसका 18-19 साल तक प्रमोशन चल रहा है, 4 4 का सिक्कर करके। हाँ अच्छा 4 4 साल के बाद प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ अब जैसे मैं अभी भर्ती हुआ हूँ, मैं नाविक की पोस्ट पे हूँ, तो इसके बाद उत्तम नाविका होगा, फिर प्रधान नाविक, फिर अधिकारी, फिर प्रधान अधिकारी, ऐसे होगा उत्तम अधिकारी प्रधान अधिकारी। अच्छा इस तरह मतलब प्रमोशन मिला है और उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी मतलब इंक्रीमेंट लाए थे जाऊँ है। सैलरी यार अभी तो देख सैलरी फिलहाल लिया है क्योंकि
इसके अंदर एमएसपी वगैरह सिस्टम ना है, और अभी सेवंथ पे कमीशन आने वाला है, तो शायद सैलरी बहुत बढ़ेगी भाई इसकी एट्थ भी। पे और आएगा, आज का एट्थ टाइम पे, में सेवंथ पे तो आ लिया। नहीं, सेवंथ एट्थ पे आ क्या, एट्थ पे आ हाँ गया एट्थ पे वो, उसका आएगा। उसका अपलोडिंग भाई बहुत बहुत बढ़ेगी। लेकिन एक बात इसके अंदर ये है, बस एमएसपी का फर्क है, लेकिन वो भी मिलेगी, चांस देखो यार सरकार, है। मतलब बना ना बनाओ, ये कमीशन आने वाला 2026 में वैसे होना चाहिए कमीशन, तो उस तक फिर हमारी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना, जितना भाई उसमें लगे बाद में हाँ, उसका आर्मी वाला। सब सब जो बंदे बड़ी पड़े हैं सबका फर्क पड़ेगा। हाँ हमारी जैसे लेवल 2 में आवा है तो 19900 है, तो हमारी भी देखो कितनी बढ़े उस हिसाब से। हाँ, यह बात है भाई। आज का टाइम पे मतलब अगर अगर डिफेंस के अंदर आप इकोनॉमी को देखा है, तो उसके अंदर जैसे नेवी के अंदर अग्निवीर आ गए, इसमें एयरफोर्स में अग्निवीर आ गए, आर्मी में अग्निवीर आ गए, तो भाई या तो अपना इनसाइड वाले ले लो, सीआरपीओ से ऐसे वाले ले लो, या कोस्ट गार्ड ले लो, बढ़िया है। लेकिन अगर कोस्ट गार्ड में भी अगर शिप के अंदर बंदा बच गया, अगर बेस के अंदर आ जाए भी ब्रांच, जैसे जैसे मेरी अभी ब्रांच है, तो चिल है लाइफ भाई इसके अंदर। भाई बहुत ऑप्शन है, जैसे एविएशन ब्रांच के अंदर आ गया, कोई ब्रांच के अंदर आ गया, तो इसके अंदर ड्राइवर के लिए एसडी के लिए कोर्स आवा है, और वहीं अगर ड्राइवर का अलाउंस जैसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस है, उसके ऊपर अपन उसका 1 महीने का अलग तक सारा खर्चा मिलेगा, मतलब खान पीन का सारा, तो 5,000 रुपये का वो सिस्टम हो जाएगा। तो ये लगा ले कि 15,000 के आसपास ड्राइवर का अलाउंस है, और एचडी का अलाउंस 35,000 के आसपास पड़ जाए, अच्छा, ये तो 30-35,000 ड्राइवर को एक्स्ट्रा ये अलाउंस कोर्स मिल करना जाए। चाहिए आके, मतलब जिसका हो उसका तो। हाँ, और अपने साइड के बंदे तो इसके लिए प्रोबेबल भी है, कभी इसका कोई दिक्कत ना है, किसी चल ठीक है भाई, भी वीडियो अपने ज़्यादा साइड लंबी हो जाएगी के। फिर तो, ठीक है और बाद में बात हाँ करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, किसी भाई को कोई कमेंट हो ना ठीक है तो भाई, वो जो अपने पूछ लेंगे, मैं तेरा कांटेक्ट दे दूँ, करवा दें। ठीक है हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है धन्यवाद। भाई।